Assalamu alaikum. Hello everyone. I'm Gul from Salon by Gul and welcome back to my YouTube channel. ओके फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जनाब केराटीन. ठीक है, आपने आफ्टर स्ट्रीक्स जब केराटीन करनी है, आपने जो है मिनिमम अपने हेयर्स को जो है आपने गैप जो देना है ना, आपने टू डेज आपने गैप देना है. ठीक है, दो दिन का, एक दिन का गैप आपने मस्त देना है. ये है जनाब हमारा केरा प्लस. तो आज हम जस्ट हमने डायरेक्ट बॉटल में से मटीरियल निकाला है, इसमें कोई कैप्सूल, इसमें कोई कंडीशनर, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना. फिर यही वाली क्वेश्चनिंग जो है ना, मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही होती है इसमें क्या ऐड किया था. तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कुछ भी ऐड नहीं करना. जस्ट आपने बॉटल में से जो ये वाली क्रीमी सी ये जो फॉर्म में है ना लिक्विड, ये आपने निकालना है. और आपने इस तरह से बस जस्ट आपने अपने फिंगर्स के साथ जस्ट कॉम करें. उसके बाद फाइनल में, लास्ट में आप जो है ना एक दफ़ा से कॉम करके अपने हेयर्स को, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है. आपने जस्ट फिंगर के साथ, बिकॉज डाई करने से, स्टिक्स करने से क्या होता है कि हमारे हेयर्स जो हैं ऑलरेडी इतने डैमेज हो चुके होते हैं ब्लीच वॉश मेटालिक हेयर पे. जैसे कि आपको पता है कि 2 से 3 बार जो होता है ब्लीच वॉश करना पड़ता है, तभी जाके वो जो मेटालिक है ना आप अपने हेयर से रिमूव कर सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमारा हेयर ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, तो उन हेयर्स को केराटीन जो है ना वो उनके लिए मस्ट है. अगर आप केराटीन नहीं करवाते तो फिर क्या होता है कि आपके हेयर्स जो है वो ब्रेक करते हैं, टूटते ही जाते हैं. और एंड पे आपकी क्या होता है कि आपकी लेंथ शॉर्ट होती चली जाती है, क्योंकि एंड्स जो होते हैं ना वो आपके वो गिरते चले जाते हैं और आपके जो हेयर्स हैं ना उनकी लेंथ शॉर्ट होती चली जाती है. और आपको ऐसे लगता है हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही. हेयर ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. हमारी हेयर ग्रोथ होती है, सारे बालों की हेयर ग्रोथ जो है होती है, बट क्या होता है कि नीचे से जो एंड्स हैं ये. फ्रेंड्स, मैंने सारी क्रीम जो है उसकी एप्लीकेशन कर ली है. क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद जस्ट मैंने सिंगल टाइम एक कॉम किया है. और उसके बाद इस तरह से आपने अपने हेयर्स को कोई भी कैचर पिन लगा के फोल्ड करना है. और उसके बाद आप कैप कर दें. और इसको आपने 45 to 1 hour के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था. अभी अच्छे से हमारे हेयर्स जो है ना उनमें मेल्सिफाई हो चुकी है हमारी जो केराटीन. तो अब हम इसको क्या करेंगे, ब्लो ड्राई. ब्लो ड्राई में फ्रेंड्स आपने जो चीज़ें जो हैं, मैं ट्राई करूँगी आज की वीडियो में कोई भी चीज़ आपको पूछनी नहीं पड़े. ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो तो प्लीज़ आपने फिर वीडियो को लाइक करना है. देखें, स्पेशली आप लोगों के लिए हम अपना सैलून भी रन कर रहे होते हैं, बट फिर भी इतनी एफर्ट करते हैं कि कुछ मेरी फ्रेंड्स जो सैलून जाके लाखों में पे नहीं कर सकती, वो घर बैठ के ये नॉलेज लें, वो ये चीज़ें सीखें. और अगर हम इसको जो है बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के भी हम इसको अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि एक एक चीज़ जो है ना डिटेल में जो है आपके साथ मैं डिस्कस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ. तो अभी फ्रेंड्स इस तरह से आपने अपने ड्रायर जो है ना, अभी इसकी नोज़ल अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रही थी, बट आपने अपने जो ड्रायर ना उसकी नोजल लगा के बिल्कुल अच्छे से अपने हेयर्स को, और बिल्कुल आपने जब साइड पे लेके जाना है आपने अपने बालों को उड़ाना नहीं है. ठीक है, आपने स्मूथली जो है अपने ब्रश के साथ, कॉम के साथ साथ अपने ड्रायर लेके आना है. इसमें फ्रेंड्स केराटीन में कोई ऐसा जो है कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, घर पर आप कर सकते हैं. बस ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें अभी मैं आपको बता रही हूँ, बस आपने इनको फॉलो करना है और आपकी केराटीन A1 जबरदस्त सी होगी. बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी. ठीक है, आप केराटीन घर पे कर सकते हैं, बट आपके पास एक तो टूल्स अच्छे वाले होने चाहिए, सेकंड ये है कि ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना आपने उनको फॉलो करना है. इस तरह आपके पास अगर ब्लो ड्राई वाला ब्रश नहीं है तो आप इस तरह से कॉम लें. ठीक है, मैंने दोनों ही तरह से आपको बताया है कि आप अगर परेशान मत हुआ करें, मेरे पास ये नहीं है तो मैं बाजार में मार्केट में लेके आऊँगी तो ही मेरा काम होगा. फ्रेंड्स आपको जो है किसी भी तरह से जो होता है वो मैनेज करना होता है. आपको एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके रिप्लेस में आप देखा करें दूसरी चीज़. अभी सेकेंड हमने ब्लो ड्राई कर लिया है. ब्लो ड्राई आपने देखा है मैंने किस तरह से किया है. आपकी जो केराटीन है, आपकी जो रिबॉन्डिंग है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो डिपेंड होता है आपकी जो ब्लो ड्राई है वो कैसी है.
और उसके बाद आपका जो स्ट्रेटनिंग है ना वो कैसी है, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें केराटिन लगाने में जस्ट आपने किस चीज़ को फॉलो करने है, आपने फॉलो करने है कि आपने जस्ट रूट्स जो है ना उनको छोड़ के फिर आपने केराटिन अपने हेयर्स पे अप्लाई करनी है। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि हमारे हेयर्स की जो लेंथ एंड्स है ना वो ज़्यादा डैमेज होती हैं। हमारे रूट्स में तो ऑयल भी होता है, हमारे रूट्स फ्रेश भी होते हैं, बट हमारी जो लेंथ एंड्स है ना वो बहुत ड्राई और डैमेज होती हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने बस जस्ट जब क्रीम की एप्लीकेशन करनी है अपनी केराटिन की तो आपने रूट्स को टच नहीं करना। उसके अलावा फिर आपने जो ब्लो ड्राई करना है उसका आपने एंगल जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से रखना है। उसके बाद जब आपने स्ट्रेटनिंग करनी है ना तो स्ट्रेटनिंग आपने इस तरह से करनी है कि आपके हेयर्स जो है वो बिल्कुल नीट आपके स्ट्रेटनर में आए। समटाइम क्या होता है कि टेंगल्स होते हैं आपके हेयर्स में, तो फिर वो आप टेंगल पर जब आप अपनी स्ट्रेटनिंग करेंगे ना तो वो टेंगल ही में आपके जो है वो रफ सी स्ट्रेटनिंग होगी, तो रफ सा केराटिन का रिबॉन्डिंग का जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो भी आपको रफ ही मिलेगा, ठीक है। आपने ये सब चीजें फॉलो करनी है, उसके बाद आपने केराटिन करनी है। जितने भी जो डैमेज हेयर है ना आपके आपके हेयर्स, आप अगर पॉलर रन कर रही हैं, बिगनर्स हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कहना कि आपके हेयर्स जो है इसमें स्ट्रेट होंगे। स्ट्रेटनिंग इसमें आती है। अभी मैंने इसका जो आफ्टर है, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आफ्टर शेयर करूं, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटनिंग भी आई है, स्मूथनिंग भी आई है हेयर्स में। बट उसमें क्या होता है कि आप कभी भी क्लाइंट को ये मत बोलें कि आपके जो हेयर्स है ना उसमें स्ट्रेटनिंग आएगी, बिकॉज क्लाइंट जो होता है फिर अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हमारा तो रिबॉन्डिंग वाला लुक आएगा। तो आपके अगर जैसे मैंने अभी अपनी क्लाइंट के आपको हेयर्स दिखाए हैं, अगर इतने कर्ली हैं तो ये 100% स्ट्रेटनिंग आ जाएगी। बट अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा कर्ली हेयर्स हैं तो उसमें क्या होगा, 50% स्ट्रेटनिंग आएगी बट आपके वेव्स रहेंगे। नेक्स्ट आप फिर 2 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद जो है वो दोबारा से फिर से जो है ना वो अपनी केराटिन करें, फिर स्लोली स्लोली आपके हेयर जो हैं वो स्ट्रेटनिंग में आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके हेयर डैमेज, आपका जो हेयर ब्रेक होता है वो भी आपका जो है आहिस्ता आहिस्ता से रुक जाएगा और आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी वाली होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स कभी भी आप स्ट्रीक्स वाले हेयर्स पे और ब्लीच वॉश वाले हेयर्स पे जो है कभी भी आप जो है रिबॉन्डिंग मत करें। लेकिन फिर भी अगर आपका क्लाइंट जो है वो इंसिस्ट कर रहा है आपसे कि हमें तो रिबॉन्डिंग ही करवानी है, 100% स्ट्रेटनिंग चाहिए, तो आपने प्लीज़ उसको पहले से अवेयर करना है कि आपके हेयर्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकता है, तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस चीज़ के। फ्रेंड्स केराटीन जो होती है, केराटीन क्या है, आपके हेयर्स में से मॉइस्चर जब चला जाता है आपके हेयर्स में से, जब आपका हेयर जो है केराटीन से ही बना होता है, और जब हम स्ट्रीक्स करते हैं, ब्लीच वॉश करते हैं, तो हमारे हेयर्स का जो केराटीन है वो चला जाता है। तो दोबारा से केराटीन आपके हेयर्स में इंजेक्ट करके आपके हेयर्स को मॉइस्चर देती है, आपके हेयर्स को अच्छा करती है केराटीन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अ लॉट थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।